बिसमिल्लर असल आज सईब बुखारी की किताब के चौथे बाब किताब वज़ू के बयान से हदीस नंबर एक सौ सैंतालीस लेकर हाजिर हूँ चलाएँ से मिलकर मुस्तफ़ी होते हैं हमसे ज़िक्रिया ने बयान किया कहा कि हमसे अबू सामा ने हशाम बिन उर्बा के वास्ते से बयान किया वो अपने बाप से वायशा रज़ी तह से व रसूल सल वसम से नकल करती हैं के आप सल्ह वसलम ने अपनी बीवियों से फरमाया कि तुम्हें कजाय हाजत के लिए बाहर निकलने की इजाज़त है हशाम कहते हैं कि हाजत से मुराद पखाने के लिए बाहर जाना है हदीस नंबर 148। हमसे इब्राहिम बिन अरमजन ने बयान किया उन्होंने कहा कि हमसे अनस बिन अयाज ने उबैदुल्ला बिन उमर के वास्ते से बयान किया वो मोहम्मद बिन याहिया बिन हबान से नकल करते हैं वो वास बिन हबान से अब्दुल्ला बिन उमर रजील तन से रवायत करते हैं कि एक दिन मैं अपनी बहन और रसूल सल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया सल असलम के मकान की छत पर अपनी किसी जरूरत से चढ़ा तो मुझे रसूल सल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कजाए हाजत करते वक्त किबले की तरफ पुश्त और शाम की तरफ मुंह किए हुए नजर आए हदीस नंबर एक हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया उन्होंने कहा कि हमसे यजीद बिन हारून ने बयान किया उन्होंने कहा हमें याहिया ने मोहम्मद बिन याहिया बिन अमान से खबर दी उन्हें इनके चाचा बिन हबान ने बतलाया, उन्हें अब्दुल्ला बिन उमर रजील्ला तमा ने खबर दी वो कहते हैं कि एक दिन मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मुझे रसूल वसल्लम दो ईंटों पर कजाय हाजत के वक्त बैतुलमुद्दस की तरफ मुंह किए हुए नजर आए जजाकल्ला